गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। मैंने यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थ लिए हैं, जैसे लेमन जूस लिया है, कर्ड लिया है, सर्फ लिया है, बेकिंग सोडा लिया है, सुगर लिया है और सॉल्ट लिया है, नमक लिया है। अब अगर हम इनको देखेंगे, अगर हम इनको टेस्ट करते हैं तो लेमन जूस और दही दोनों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। और सर्फ और बेकिंग सोडा, इनका स्वाद कैसा होता है? कसैला या कड़वा होता है। चीनी का स्वाद मीठा होता है और सॉल्ट का स्वाद जो है वो नमकीन होता है। इन्हीं स्वाद के आधार पर ही अगर हम इनको बांटते हैं अम्ल, क्षारक और लवण में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं अम्ल के बारे में। हम अम्ल कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है? इसके लिए अम्ल क्या होते हैं, पहले तो हम ये जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब लिटमस पेपर एक सूचक होता है जो लाइकेन से बनता है, और लाइकेन है वो शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध से बनता है, तो लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। अब यहाँ पर मैंने लिटमस पेपर की जगह पर चाइना रोज लिया है, यानी कि गुड़हल लिया है, और इसकी जो ये पेटल्स हैं, इन पेटल्स को अगर हम गर्म पानी में डाल दें थोड़ी देर के लिए, जैसे ये डला हुआ है इसमें अगर हम डाल दें और उसके बाद हम इसका परीक्षण करते हैं, इसको अगर हम एसिड में डालते हैं, इसमें लेमन जूस में डालते हैं, तो ये हल्का गुलाबी रंग देता है, और अगर हम दही में भी इसको डालते हैं तो इसका रंग कैसे आता है? हल्का गुलाबी आता है। ये हम बच्चों अपने घर पे भी इस परीक्षण को कर सकते हैं। तुम्हारे घरों के आसपास में जितने भी खट्टे फल हैं उनका तुम एक सूची बना सकते हो, और जो फल तुम्हें उपलब्ध होते हैं उनके रस से तुम इस चाइना पेटल्स यानी कि गुड़हल की जो ये पंखुड़ियां हैं इनको गर्म पानी में भिगो करके तुम इनकी अम्ल की पहचान कर सकते हो। बच्चों, इससे पहले हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, इंडिकेटर्स यानी सूचक के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं बेसिस के बारे में, क्षारक के बारे में। क्षारक हमारे पास में, जैसे हमने देखा, हमारे पास सर्फ है, बेकिंग सोडा है, इनका स्वाद कैसा होता है? कसैला या कड़वा होता है। और ये अब क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्षारक की पहचान कैसे करेंगे? हमारे पास में सर्फ है, साथ में हम थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसको जब हम घोल देते हैं, इसके बाद में हम इसका जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम, ये हल्दी पत्रक है जो हमारा इंडिकेटर का काम करता है, अगर हम इस हल्दी पत्रक में डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और ऐसे अमूमन हमारे घर में जो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़ों में भी अगर हल्दी गिर जाती है और हम उस पर साबुन लगाते हैं तो वो लाल रंग देता है, हमारे कपड़ों पे लाल रंग के स्पॉट आ जाते हैं। तो इसी तरह से हम बेस की पहचान इसमें कर सकते हैं। दूसरा, हम चाइना पेटल्स से भी बेस की पहचान कर सकते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा ये कलर, ये चाइना पेटल्स डालते हैं तो देखो इसका रंग कैसे हो जाता है? हल्का हरा हो जाता है। तो चाइना पेटल से हम अम्ल और क्षारक दोनों की पहचान कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास में लवण। लवण क्या होता है कि अगर हम अम्ल और क्षारक दोनों को मिला दें तो लवण और पानी बनता है, और जो ये लवण और पानी बनता है, लवण के जो गुण होते हैं ना तो वो अम्लीय होते हैं और ना क्षारकीय होते हैं, और यह लवण बनने की जो प्रक्रिया है अम्ल और क्षारक को मिलकर के, ये प्रक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण की क्रिया या न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अगर हम इसमें नमक में अगर हम इन इंडिकेटर्स को डालते हैं, इनका चाइना पेटल्स को भी अगर मैं मिलाती हूँ तो देखो इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सूचक पर इनका कोई सूचक के द्वारा ये कोई प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि ये उदासीन होते हैं। और तो बच्चों इसी तरह से जब हमारे पेट में हम ज्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं तो मसालेदार खाना खाने के बाद में हमें पेट में जलन होती है, डकारें आती है, तो हम क्या करते हैं? या तो हम इनो लेते हैं या हम सोडा पीते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी जो एसिड पेट में होती है उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारा उसका प्रभाव कम करता है। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा बेसिस, एसिड,
के बारे में और लवण के बारे में। और अब एक प्रश्न तुम्हारे लिए है कि अगर हमें मधुमक्खी काटती है तो हम वहां पर चाकू क्यों रगड़ते हैं या हम चूने का पानी क्यों लगाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ करके आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिए।